और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम के स्वच्छता अभियान और नगरोदय अभियान के तहत कटनी शहर को साफ सुथरा बनाया जा रहा है। फॉरेस्टर वार्ड में नगर निगम के कर्मचारियों ने भ्रमण किया, वार्ड की सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। साथ ही रहवासियों को कचरा डस्टबिन में डालने और आसपास की सफाई रखने और शौचालय के इस्तेमाल करने के लिए जागरूक भी किया, और अगर बाहर शौच करने वाले मिले तो उन पर चालानी कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। ढोल बजाकर मुनादी करवा रहे ये लोग नगर निगम के कर्मचारी और पार्षद हैं। स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच को रोकने के लिए नगर निगम कटनी के अमले ने ढोल बजाकर रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत की है। इनका मानना है कि इस तरह से खुले में शौच करने वालों और सड़क पर कचरा फेंकने वालों पर अंकुश लग सकेगा। गलियों में ढोल की आवाज से पूरे इलाके के लोग सतर्क हो जाएंगे और कचरे को ठीक तरह से कूड़ादान में डालेंगे। आज स्वच्छता अभियान के तहत फॉरेस्टर वार्ड में रोको टोको कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नगर निगम से पूरी टीम और कई लोगों को समझाइश दिया गया कि स्वच्छता अभियान के तहत घर में शौचालय बनवाएं और शौचालय का इस्तेमाल करें, डस्टबिन रखें, नालियों में कचरा ना डालें। नहीं, चलानी नहीं, अभी समझाइश दी गई है, आगे चलानी कार्रवाई भी होगी। और चलानी कार्रवाई में कितना जुर्माना रखा गया? अभी प्रथम 500 रुपए का पहला है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक तो नगरोदय और दूसरा स्वच्छता अभियान, ये साथ में चल रहे हैं। इस समय सुबह से रोज घूम घूम के लोगों को इसके लिए समझाइश दी जा रही है कि खुले में शौच के लिए ना जाए और अपने आसपास साफ सफाई रखें। जो भी आजकल कचरे की गाड़ियां डोर टू डोर कलेक्शन के लिए घूमती हैं तो कचरा घर के बाहर ना फेंकें, डस्टबिन में रखें और उसी में कचरा दें, नहीं तो वो कचरा फिर वहीं दिन भर पड़ा रह जाता है और गंदगी फैलती है। इसके लिए समझाइश देते हुए सभी जगह सब वार्डों में दल गठित किए गए हैं, तो सारे दल इस समय सुबह से 6 से 8 और शाम को 6 बजे से रात में 9 बजे तक चौपाल लगा के लोगों को समझाइश और स्वच्छता के प्रति कितना संवेदनशील होना चाहिए आदमी को, इसके लिए समझाइश दे रहे हैं। नगर निगम की इस पहल को स्थानीय लोग भी जायज मानते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से इलाके में स्वच्छता बनी रहेगी और कटनी को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने में मदद मिलेगी। लोगों ने बताया कि नगर निगम सिर्फ मुनादी ही नहीं करवा रहा है बल्कि लोगों को कैसे स्वच्छ रहना है इस बात की भी जानकारी दी जा रही है, जो एक बढ़िया कदम है। इससे आम लोगों को ही फायदा होगा और बीमारियां नहीं फैलेंगी। नगर निगम के द्वारा जानकारी दी गई कि स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देना है, खुले में शौच नहीं जाना है, कचरा कूड़ेदान में डालना है, जिससे शहर और नगर साफ सुथरा रहे, सबको सहयोग करना है। स्वच्छता बहुत बड़ा, इससे बीमारियां नहीं फैलती हैं, खुले में शौच जाने से बीमारियों में ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए घर में शौचालय बनवाना अति आवश्यक है। पूरे देश के 500 शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 किया जाना है, इसमें कटनी का भी नाम शुमार है। ऐसे में नगर निगम की ये कवायद जिले को नंबर 1 बनाने में काफी मददगार साबित होगी।